और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क में जैसे हम कोई पेपर देखें या जैसे हम कोई फोटो कॉपी करवाते हैं, उसके पीछे ऐसे वाटरमार्क लगे हुए होते हैं। जैसे कि हम ये अप्लाई कर लें तो यहाँ पे हमारे ये शो हो जाएगा। हम चाहें तो यहाँ पे अपने मर्जी की भी कर सकते हैं, मोर वाटर मार्क्स फ्रॉम ऑफिस डॉट कॉम, यहाँ से भी ले सकते हैं वाटर मार्क्स को। और यहाँ पे हमारे पास कस्टम वाटर मार्क आ जाते हैं। यहाँ पे हम अपने मर्जी का भी कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपनी एकेडमी का नाम लिख लेते हैं। क्लिक करेंगे तो ये हमारे वैसे ही वाटरमार्क आ जाएगा। और अगर हम अपने वाटरमार्क को रिमूव करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है। उसके बाद हम अपने पेज को कलर दे सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर हम देना चाहें हम इजीली दे सकते हैं। और यहाँ पे अब मोर कलर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, करके अपने मर्जी के कलर यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। जैसे ये कलर हो गया, इसको ओके किया तो ये वैसा ही कलर आ जाएगा। ये सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ऐसा कलर आ सकता है। जब हम इसकी हार्ड कॉपी निकलवाते हैं, मतलब इसका हार्ड पेपर निकलवाते हैं, तो उसमें कलर नहीं आता, उसमें सिंपल वाइट आता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसका चेक कर लेते हैं। जैसे वहां पे हमने कलर लगाया था, लेकिन जो हम यहाँ पे हमने इसका प्रिंट प्रिंट पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे वाइट पेज आ रहा है, यहाँ पे कोई कलर नहीं आ रहा। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पेज बॉर्डर। यहाँ पे अपने पेज के चारों साइडों पे बॉर्डर्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला बॉर्डर लगा लेते हैं और इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। इसको अप्लाई करेंगे तो चारों साइडों पे ये हमारे बॉर्डर्स लग जाएंगे। उसके अलावा अगर हम चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बॉक्स बॉक्स शेप में है और ये शेडो में है हमारे पास, जिसका हमारे पास एक शेडो आएगा। इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखें, जैसे इसके यहाँ साइड पे इसका शेडो आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास 3D बॉर्डर्स आ जाते हैं और फिर कस्टम बॉर्डर्स आ जाते हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है इसकी, हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम चाहें कि हम यहाँ पे स्टाइलिश बॉर्डर अप्लाई करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट स्टाइलिश बॉर्डर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे हम यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे अप्लाई हो गए। और हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन भी होता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे चारों साइडों पे बॉर्डर्स ना हो तो हम इसे यहाँ से नन भी कर सकते हैं। जितनी साइड्स हम चाहते हैं वहां पे सिर्फ चेक इन कर सकते हैं, बाकी सारे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि एक साइड पे है, अगर मैं इसे भी चेकआउट कर दूंगी तो ये भी रिमूव हो जाएगा।